वेलकम टू स्टडी आई क्यू। अब अमित वरिधि किलोर। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया कानून लाया है, मॉडल टेनेंसी एक्ट, यानी कि किराएदारों और लैंडलॉर्ड्स के बीच में जो कशमकश पिछले कई डेकेड से चल रही है उसको सॉल्व करने का एक तरीका है। लेट्स अंडरस्टैंड द सेलियंट फीचर्स ऑफ द मॉडल टेनेंसी एक्ट, कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या बदलाव लाए गए हैं। 2019 में इस एक्ट का ड्राफ्ट रिलीज कर दिया गया था। यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को इस एक्ट के मॉडल एक्ट को अप्रूव कर दिया है टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ रेंटिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया, ताकि जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो रेंट इकोनॉमी है उसको बढ़ावा दिया जा सके। राइट, लॉ का उद्देश्य यह है कि जो रेंटर्स इंटरेस्ट है, यानी कि जो लोग रेंट पे देते हैं, जिनका घर होता है, ओनर होते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, उनके इंटरेस्ट और टेनेंट्स, इन दोनों के इंटरेस्ट को बराबर बैलेंस बनाया जा सके। हु हैव एंजॉयड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इविक्शन एंड रेंट हाइक्स अंडर द लॉ। अभी इस समय जो टेनेंट होते हैं या जो किराएदार होते हैं उनके पास कई प्रकार की प्रोटेक्शन होती है कि उनको घर से नहीं निकाला जा सकता इविक्शन के तहत, और जो रेंट इंक्रीज होता है उसके तहत। तो काफी डिसबैलेंस हो गया था, और जो पुराने रेंटल लॉज थे, पुराने जो टेनेंसी लॉज थे, वो कम से कम 40 50 60 साल पुराने हैं। सो उतना वो समय के साथ बदल नहीं पाए हैं। सो टू चेंज दैट सिचुएशन एक नया मॉडल टेनेंसी एक्ट लेकर आया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की ना टेनेंट लैंडलॉर्ड को एक्सप्लॉइट कर पाए ना लैंडलॉर्ड टेनेंट को एक्सप्लॉइट कर पाए। आप सब में से जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे ही आप कोई शहर बदलते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप सबका कहीं ना कहीं पे लैंडलॉर्ड से वास्ता पड़ता है। राइट, या तो हॉस्टल में रहना पड़ता है, या पीजी में रहना पड़ता है, या खुद रूम लेकर रहना पड़ता है। एंड लैंडलॉर्ड्स आर दी मच हेटेड कम्युनिटी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, है ना, बहुत ज्यादा दुखी करते हैं। वेल, लैंडलॉर्ड की कम्युनिटी में किराएदार बेसिकली उसी प्रकार से हेटेड कम्युनिटी होते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे से खफा ही रहते हैं, किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। कभी लैंडलॉर्ड ने आपकी सिक्योरिटी नहीं दी, कभी लैंडलॉर्ड ने बिना बताए रेंट बढ़ा दिया एकदम, मतलब एक बार रेंट लेने आया, बोला अगले महीने से भाई ये बढ़ गया 2000 रुपया। इस प्रकार की काफी सारी सी चीजें होती हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फिर भी एक जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी स्लाइटली सी लेस है, इन द सेंस कि वो जैसे ही अपनी दो तीन, क्योंकि वो हमेशा से टेम्पररी रहने का इरादा रहता है, तो वो जैसे भी दो तीन महीने दो तीन साल जैसे पढ़ते हैं, उसके बाद वो रेंट वो उस कमरे को या घर को खाली कर आगे चले जाते हैं। उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है जब एक फैमिली रहती है, क्योंकि फैमिली अगर कहीं पर रहती है तो बड़े लंबे समय के लिए रहती है, 10 20 40 50 साल के लिए रहना चाहती है वो एक ही जगह पर, स्कूल भी वहीं पर होते हैं तो बदला नहीं जा सकता है। उनके लिए ये मॉडल टेनेंसी एक्ट है जिसमें गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है टू एनेबल द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द रेंटल हाउसिंग, धीरे धीरे इसको पूरे का पूरा फॉर्मल मार्केट की तरफ। आजकल आप जानते हैं कई जगह पर आप रहे हैं वहां पर रेंटल एग्रीमेंट भी नहीं बनता है, बस डायरेक्टली रेंट ले लिया जाता है, इनफॉर्मल मार्केट काफी ज्यादा चलती है। तो उस चीज की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट आया है। टू मिनिमाइज पेटी डिस्प्यूट्स द एक्ट मैंडेट्स फॉर द रिटन एग्रीमेंट फॉर ऑल न्यू टेनेंसीज विच विल हैव टू बी सबमिटेड टू द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी। ये कहना चाहते हैं कि जो जो स्टेट इस मॉडल टेनेंसी एक्ट को अडॉप्ट कर लेंगे, उन स्टेट्स में जब भी कोई रेंट अग्रीमेंट, जब भी कोई ऐसा कोई किराएदार पे रखा जाएगा किसी घर को, तो हमेशा रेंट अग्रीमेंट के बेसिस पर ही रखा जाएगा, और वो जो रेंट अग्रीमेंट है वो रेंट अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट द रेंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ टेनेंसी विल बी फिक्स्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन ओनर एंड टेनेंट थ्रू अ रिटन अग्रीमेंट। पहले से ही ये बात पता होनी चाहिए कि रेंट कितना होगा और कितने समय के लिए रेंट पर दिया जा रहा है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। इस प्रकार से इट प्रोवाइड्स 3 months नोटिस टू टेनेंट्स फॉर अ हाइक इन रेंटर्स टू इंश्योर लैंडलॉर्ड्स आर एनेबल्ड टू एक्सट्रैक्ट द मार्केट प्राइस फॉर देयर प्रॉपर्टी। यानी कि अगर रेंट बढ़ाना है तो इसके लिए 3 महीने का पहले का नोटिस देना पड़ेगा, ऐसा आपको रेंडमली नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर रेंट बढ़ाने की बात भी है तो 3 महीने का नोटिस है, ताकि जो टेनेंट है वो बेसिकली तैयारी कर सके जो एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला है। एक्ट ऑल्सो पुट्स अ कैप ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। अ लॉट ऑफ यू मस्ट नॉट हैव फेस्ड इट, बट जो बड़े शहर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया है, दिल्ली हो गया या फिर मुंबई हो गया, यहां पर इस प्रकार का सिस्टम है कि जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मनी है, वो एक एक साल की ले ली जाती है कई जगहों पर, कई रेजिडेंशियल इलाकों में। तो मतलब अगर किराया 25,000 रुपए का है तो 3 लाख रुपए की सिक्योरिटी चली जाती है। ये जो एक्ट है मॉडल टेनेंसी एक्ट, दिस पुट्स अ कैप, 2 महीने से ऊपर की कोई सिक्योरिटी नहीं बनती है, 2 महीने से ऊपर की सिक्योरिटी नहीं ली जा सकती है। सो टेनेंट्स आर नॉट फोर्स टू इन्वेस्ट हेफ्टी सम्स एट द स्टार्ट ऑफ टेनेंसी। कई सिटीज में इस प्रकार के, मुंबई या बेंगलुरु में इस प्रकार के नॉर्म्स है कि वो एक एक दो दो साल तक की बेसिकली सिक्योरिटी मनी ले लेते हैं। एज पर द एक्ट ओनली 2 months ऑफ रेंट कैन बी टेकन एज एडवांस फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जबकि कई जगहों पर ये 5 से 12 महीनों का भी इस प्रकार का
नॉर्म चल रहा है कुछ सिटीज के अंदर, ये भी एक सुविधा मिलेगी। मतलब द एक्ट इज ट्राइंग टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ईच रेंटर एंड द रेंटी, दोनों के दोनों, टेनेंट का और बेसिकली लैंडलॉर्ड का, दोनों के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशन है उनको डिफाइन करने की कोशिश की गई है मॉडल टेनेंसी एक्ट में। अकॉर्डिंग टू एक्ट, इफ अ टेनेंट फेल्स टू वैकेट द प्रोमिसेज premises let out rent in accordance with the tenancy agreement, he or she will be liable to pay the landlord twice the monthly rent for first 2 months and then 4 times till the latter continues to occupy the said premises. आजकल क्या होता है कि कई बार हमारे यहाँ पर कई जो पुराने थोड़े से आर्काइक कानून हैं, तो जो टेनेंट का एविक्शन है वो बेसिकली थोड़ा सा काफ़ी लंबा लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड सिविल सूट के द्वारा कराया जाता है। तो पुराने जो 1980 या 1990 के रेंट के प्राइसेस थे, उन्हीं प्राइसेस पर कई टेनेंट घर पर रह सकते हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि अगर अब जो अग्रीमेंट है, क्योंकि वो पहले साइन करके रेंट अथॉरिटी को सबमिट कर देना है, अगर उस अग्रीमेंट के तहत कोई भी टेनेंट अगर खाली करने से मना कर देता है, तो फिर उसको इस प्रकार से फाइन है कि पहले 2 महीने तो डबल प्राइस है और उसके बाद बेसिकली 4-4 गुना उसको रेंट बेसिकली उसका बन जाएगा। सो दिस विल एक्चुअली से कि अगर अग्रीमेंट है तो आपको खाली कर देना चाहिए। अगर डिस्प्यूट हो ही जाता है उसके बावजूद भी, तो एक 3-tier स्ट्रक्चर बनाया गया है मॉडल टेनेंसी एक्ट में। ओनर एंड द टेनेंट विल हैव टू फर्स्ट अप्रोच द रेंट अथॉरिटी, यहां पर सॉल्व नहीं हुआ, रेंट कोर्ट, यहां पे सोल नहीं हुआ तो रेंट ट्राइब्यूनल। द एक्ट सेज नो लैंडलॉर्ड और प्रॉपर्टी मैनेजर कैन विदहोल्ड एनी एसेंशियल सप्लाई टू द प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय द टेनेंट। ऐसा भी होता है जब रेंट का या लैंडलॉर्ड का, टेनेंट का कोई इशू होता है, तो फिर लैंडलॉर्ड पीछे से जाके पानी की टूटी बंद कर देता है कि पानी नहीं मिलेगा, या बिजली काट देता है। द मॉडल टेनेंसी एक्ट सेज कि डिस्प्यूट अगर अराइज हो जाता है तो जो एसेंशियल सर्विसेज है इनको बंद नहीं किया जा सकता है किसी भी सिचुएशन में, इवन दो यू आर इन द डिस्प्यूट यू कैन नॉट डू दैट। ये बात ध्यान रखिए, इन द इवेंट ऑफ ए डिस्प्यूट और एनी अदर प्रीटेक्स्ट, और अगर कोई रिपेयर वर्क भी चलना है तो कम से कम नहीं तो 24 घंटे का नोटिस दे देना चाहिए, ताकि यूटिलिटीज जो सप्लाई है, पानी है, बिजली है, ये बंद रह सकता है 24 घंटे के अंदर, एंड उसको काटा नहीं जा सकता है परमानेंटली उस डिस्प्यूट का, चाहे सॉल्यूशन हो रहा हो या ना हो रहा हो, द कंटिन्यूअसली अगर टेनेंट को दिया गया है तो दिस अगेन बिकम्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन कि निकालने के लिए, टेनेंट को निकालने के लिए बिजली काट देना या पानी निकाल देना, चाहे डिस्प्यूट हो या ना हो, तो वो नहीं किया जाएगा। टेनेंट विल नॉट carry out any structural change or erect any permanent structure in the premises let out on rent without the written consent of the landlord. तो ये भी बात बिल्कुल सरल है, खैर इसमें समझने की क्या बात है कि भाई अगर किसी किराएदार को कोई घर दिया गया है तो उसमें कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर या कोई ऐसा बदलाव जिससे बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होने वाले हैं घर में, ये बिना लैंडलॉर्ड की रिटर्न परमिशन के नहीं किया जाएगा। सीम्स लाइक अ लॉजिकल आइडिया, किया क्यों था, जरूरत क्या पड़ी इस बात की। हमारे 2011 के सेंसस में देखा था कि ओनली 21 मिलियन के करीब के घर अर्बन हाउसेज वर गिवन आउट ऑन द रेंट, ठीक है, विच इज 20% ऑफ द बेसिकली जो टोटल अर्बन हाउसेज है उसके 20% बेसिकली 21 मिलियन जो है वो बेसिकली अमाउंट एंड अराउंड कितने हो गए, 2 करोड़ के करीब जो घर है वो रेंट पर दिए गए थे। कंजर्वेटिव एस्टिमेट सेज दैट एज मेनी एज 1 करोड़ हाउसेज आर स्टैंडिंग वेकेंट फॉर वेरियस रीजन से 1 करोड़ खाली पड़े हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स को लगता है कि अगर एक बार टेनेंट ले ले तो फिर इनको इविक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, सिविल कोर्ट के थ्रू जाना है। की डैम्पनर ऑफ इन्वेस्टर ओनर सेंटिमेंट वॉज दैट देर वॉज नो साउंड मैकेनिज्म टू रिजॉल्व टेनेंट लैंडलॉर्ड कॉन्फ्लिक्ट अपार्ट फ्रॉम अ रियली एक्सपेंसिव एंड प्रोट्रैक्टेड रूट ऑफ फाइलिंग ए सिविल लॉ सूट। Property owners also found it nearly impossible to evict tenants, which further created a negative view. तो मतलब वो खाली ही पड़े हैं, 1 करोड़ घर हैं खाली हैं बिना रेंट के पड़े हुए। एक्ट ने इन्हीं चीजों को एड्रेस करने की कोशिश किया है लेजिटिमेटली। हाउ, ताकि जो लैंडलॉर्ड है अगर मार्केट के साथ ही साथ अगर रेंट इंक्रीज करना चाहता है एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स। फर्दर मोर द लॉ नॉट ओनली मिनिमाइजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट बाई क्लियरली डिफाइनिंग लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस, इट ऑल्सो पुट्स इन प्लेस अ रोबस्ट मैकेनिज्म फॉर द ग्रीवांसेस रिड्यूसल मैकेनिज्म। हमने देखा कि पहले वो रेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे, फिर रेंट कोर्ट के पास, फिर रेंट ट्राइब्यूनल के पास। सो ये जो इश्यूज जो पुराने, जो भी हमारी रेंट मार्केट में, जो भी हमारी टेनेंसी मार्केट में इंडिया में जो इश्यूज थे, उन सबको सॉल्व करने के लिए कोशिश की जा रही है टेनेंसी मॉडल एक्ट के द्वारा। दिस क्रिएट, इसमें एक प्रॉब्लम है, लैंड जो है इज अ स्टेट सब्जेक्ट, शेड्यूल 7 में स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि राज्य सरकार ही लैंड के ऊपर कानून बना सकती है। दैट मींस कि ये मॉडल टेनेंसी एक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, इसको स्टेट खुद लेजिस्लेट करे या ना करे ये उनकी चॉइस है। इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू रिपील और अमेंड देयर एग्जिस्टिंग एक्ट्स एज इट अमाउंट्स टू
बेसिकली ये बेसिकली काम करने का मुद्दा है, इसमें काफी काम करना पड़ेगा। सोचिए एक थ्री टीयर स्ट्रक्चर बनाना अलग से, रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट का, रेंट ट्राइब्यूनल का। फर्दर मोर द लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली एंड विल नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग टेनेंसीज, मीनिंग दैट्स ओनर्स हु हैव नॉट बीन एबल टू इविक्ट टेनेंट्स ड्यू टू प्रोविजन अनलेस द स्टेट विच दे ऑन। अच्छा, दूसरा जो ये लॉ है ये आगे, ये रेट्रोस्पेक्ट में नहीं काम करेगा, जिस दिन बनेगा उस दिन के आगे से लाइव होगा। तो इस समय जो किसी टेनेंट का या लैंडलॉर्ड का कोई सिविल डिस्प्यूट है वो इससे कवर नहीं हो सकता, उसके लिए पुराने लॉज को ही फॉलो करना पड़ेगा। और ये हर एक स्टेट गवर्नमेंट को इंडिविजुअली लेजिस्लेट करना है अपने स्टेट लेजिस्लेचर में वहां पर अप्लाई करने के लिए। एज लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द स्टेट्स टू इंप्लीमेंट स्टेट एंड यूनिटरी बाय इनएक्टिंग फ्रेश लेजिस्लेशन, सो दे कैन अमेंड देयर एग्जिस्टिंग रेंटल लॉज सूटेबली। और इस पर कई पॉलिटिकल कॉनोटेशंस भी हो जाती है। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि कौन कौन सी स्टेट इस मॉडल टेनेंसी एक्ट को अपनाती है और फिर बेसिकली उसको लेजिस्लेट कर लेती है। बियॉन्ड दैट, हाँ, फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लैंड स्टेट सब्जेक्ट होता है जिस पर सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकती है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है किसी के लिए भी। ये सिर्फ और सिर्फ तभी मैंडेटरी होगा जब स्टेट अपने एग्जिस्टिंग कानूनों को, एग्जिस्टिंग जो रेंटल लॉज है, एग्जिस्टिंग टेनेंसी एक्ट जो है, उनको बदले इसके अकॉर्डिंगली। विल हैव टू सी ये कब तक स्टेट्स करती हैं। इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल वेर यू कैन एसोसिएट विद मी एंड यूल गेट द नोटिफिकेशन एंड द पीडीएफ ऑफ द क्लासेस। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सब रेलिवेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इफ यू डू लाइक द क्लास देन वाई डोंट यू मैंशन इट बिलो दिस यूट्यूब वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।